नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबर में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। लॉरेंस विश्नोई ने पहलवान सुशील के साथ और काला जठेड़ी के साथ रिश्ते को कबूल किया है। उसने कहा कि काला भाई की दोस्ती सुशील से है। वह सुशील से काला के जरिए मिला था, वह उसे पहले से ही नहीं जानता था। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और काला जठेड़ी के नाम सुर्खियों में है। भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर मीडिया से एक्सक्लूसिव बात की। इस बातचीत में लॉरेंस ने पहलवान सुशील के साथ काला जठेड़ी और खुद के रिश्ते को कबूल किया है। उसने कहा कि काला भाई की दोस्ती सुशील से है। सुशील से मेरी जेल से मुलाकात हुई है। लॉरेंस ने कहा कि सुशील से फोन पर उसकी बात होती थी। काले भाई से सुशील की दोस्ती है तो हमारी भी दोस्ती है। काला भाई जठेड़ी बड़ा भाई है हमारा। उसने कहा कि वह सुशील से काला के जरिए मिला था, वह उसे पहले से नहीं जानता था। आपको बता दें कि सागर पहलवान हत्याकांड के बाद सुशील कुमार, काला जठेड़ी और लॉरेंस विश्नोई नेक्सस का नाम सामने आया था। मकू का केस व अन्य चार संगीन केसों में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राजस्थान जेल में बंद काला जठेड़ी के क्राइम साथी लॉरेंस विश्नोई, संपत नेहरा, जग्गू राजू को प्रोडक्शन वारंट के तहत दिल्ली लेकर आए थे। आज स्पेशल सेल ने रिमांड पूरी होने के बाद लॉरेंस विश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया था। फिलहाल लॉरेंस को दिल्ली के तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सागर हत्याकांड के बाद आरोपी लगे थे कि सुशील के छत्रसाल स्टेडियम के अंदर बने सरकारी बंगले में लॉरेंस विश्नोई, काला जठेड़ी, गैंग के बदमाश आते जाते थे। लॉरेंस विश्नोई के मकोका व अन्य केसों की पैरवी जाने माने अधिवक्ता विशाल चोपड़ा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने अधिवक्ता विशाल चोपड़ा से पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस विश्नोई की पेशी के दौरान बात की। अधिवक्ता विशाल चोपड़ा के मुताबिक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने लॉरेंस विश्नोई व उसके अन्य चार साथियों पर मकोका व अन्य संगीन धाराओं में पांच केसों में गिरफ्तार की है। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस विश्नोई पिछले तकरीबन 7 साल से जेलों में बंद है, इसलिए उस पर लगाए गए मकोका व अन्य सभी केस झूठे व बेबुनियाद है। उस पर लगाए गए मकोका व अन्य मामलों में पुलिस की तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पर है। पुलिस की तफ्तीश पूरी होने पर ही हम पुलिस के आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। इसके अंदर में जो दिल्ली की स्पेशल सेल है, उन्होंने राजस्थान पुलिस से जो है प्रोडक्शन वारंट मांगा था, और प्रोडक्शन वारंट के बाद में उन्होंने यहाँ पे दिल्ली में लाने के बाद काला जठेड़ी गैंग के एसोसिएट जो है लॉरेंस विश्नोई और संपत नेहरा, जोगिंदर जग्गू, राजू और काली, इनके ऊपर जो है मकोका के तहत जो है केस बुक किया है। इसके अलावा 4 केस और इनके ऊपर जो है अलग अलग दफाओं में दर्ज किए गए हैं। तो उसमें जो है 44 डेज़ का जो है पहले पीसी रिमांड चला था और अब 21 दिन का और था, तो आज जो है जुडिशियल कस्टडी में इनको भेज दिया गया है। तो अभी केस इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो इनिशियल स्टेज में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बाकी तफ्तीश में जो भी पुलिस की निकल के आएगा उसके बाद हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुशील मामले देखिए, पुलिस के तार हैं, पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन को कहीं भी जोड़ सकती है। बाकी मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, इंटरनल मामले हैं उनके। मेरा जो काम है वो इसके इन केसेस को देखना है, उसके बारे में जो भी निकल के आएगा हम कोर्ट के सामने उसके बारे में। काला जठेड़ी के साथ में पुलिस के इनका कनेक्शन जोड़ दिया है कि काला जठेड़ी के साथ में इनका गैंग है, ये गैंग कितना ऑपरेट करते हैं। बाकी अभी काला जठेड़ी तो इनके पास है नहीं गिरफ्त में, वो अभी फरार हैं, उनके ऊपर इनाम भी घोषित किया हुआ है पुलिस ने। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पे है, अभी कुछ भी कहना जो है मेरे लिए भी ठीक नहीं होगा। देखिए, मेरे पास तो रोज़ इस तरह के केसेज आते हैं, कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि लॉरेंस विश्नोई जो है पिछले 7 साल से कस्टडी में है। 7 साल की कस्टडी के दौरान उसके ऊपर जो है कम से कम 40 मुकदमे दर्ज किए गए। ये बहुत अपने आप में एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एक आदमी जो 7 साल से कस्टडी में रनिंग कर रहा है और वो पहले केस से लेके आज तक उसी केस के अंदर में कन्विक्शन उसको किसी केस में नहीं हुई, सब केसों में बरी हुआ, एक केस में उसको कन्विक्शन हुई, तो वो आदमी अंदर रह के किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम कर सकता है। मकोका जो उसके ऊपर लगाई गई है, मकोका अपने आप में तब लगाई जाती है जब कोई अंधा कोई सिंडिकेट का पार्ट हो या ऑर्गेनाइज तरीके से कोई क्राइम को अंजाम दे रहा हो, जब आदमी खुद मतलब बिहाइंड द बार्स है और उसमें चल रहा है कस्टडी के अंदर में, तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे सकता है, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। बीसीएन न्यूज के लिए दिल्ली से बृजेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदपल हापुड़ में समाजवादी पार्टी की यूजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय गोलात व नगर अध्यक्ष जावेद शाहिद जरोदिया के दिशा निर्देश पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हापुड़ पहुंचे यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक गोस्वामी ने सभा को संबोधित कर 2022 विधानसभा चुनाव में लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग कराने की अपील करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा।
आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के बुलंदशहर रोड पर स्थित सपा युवा जन सभा के नगर अध्यक्ष जावेद शाहिद सरोदिया के आवास पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवजन सभा के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वहीं सभा के दौरान युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने 2022 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिताने के लिए लोगों से अपील भी की। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए युवजन सभा के जिला अध्यक्ष संजय गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने जो किया है केवल और केवल झूठे वादे किए हैं, धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है। अगर किया है तो अखिलेश यादव की योजनाओं पर काम कराकर उनका उद्घाटन किया है। वही इस दौरान सपा युवा जन सभा में कुछ नए सदस्यों ने सदस्यता भी ग्रहण की। जावेद, प्रोग्राम हुआ है, क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम है जो हमारा 2022 का मिशन चल रहा है, इसमें युवाओं में जोश भरने के लिए, ताकि हम जो है एकजुट होकर एक साथ होकर पोलिंग करें, एक साथ अपनी सरकार को बनावें, अपने यहाँ से हापुड़ जिले से जो भी हमारा कैंडिडेट खड़ा हो उसे जिताएं। दीपक गोस्वामी, आज यहाँ प्रोग्राम हुआ था, क्या प्रोग्राम है? जी, ये संगठन विस्तार है समाजवादी युवजन सभा, जिसमें सारे युवजन सभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सारे युवाओं के अंदर जोश भरने का काम किया जा रहा है। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर, यूं आदरणीय श्री अरविंद गिरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके दिशा निर्देश पर ये संगठन विस्तार का काम चल रहा है। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।